तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो सारे निबंध से रिलेटेड होने वाले। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि निबंध नाटक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने कल नाटक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तो वो वीडियो जिन स्टूडेंट नहीं देखा है जाके देख सकते हैं चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम निबंध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्वेश्चन कई सालों से रिपीट हो रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने सोचा आपके एग्जाम आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करना जरूरी है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है निबंध के प्रमुख प्रकार कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर एक है 5, बी नंबर है 6 और सी नंबर है 3 यानी कि 3 और डी नंबर है 2। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो निबंध के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। जिन स्टूडेंट को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे बेशक उसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपकी सीरीज में कि हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो जो हिंदी निबंध जो रचना है उसका प्रारंभ किस युग से हुआ था या किस युग से माना जाता है। तो ऑप्शन आपको 4 मिल जाते हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, रसोकाल युग और डी नंबर है प्रसाद युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, भारतेंदु युग से निबंध की रचना का प्रारंभ माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपको जानना भी जरूरी है अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो, ठीक है। एग्जाम में आए या ना आए वो अलग की बात है, लेकिन जनरली आपको ये जानना क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है हजाय प्रसाद, ऑप्शन नंबर दो है रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 3 है निराला और ऑप्शन नंबर 4 है मोन्तेन। तो निबंध का जो जन्मदाता है, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम निबंध से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो निबंध के जन्मदाता कौन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर यानी कि 4th नंबर, मोन्तेन। ये निबंध के जन्मदाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जनरली जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई किस प्रकार के निबंधकार हैं। नंबर एक गंभीर विषयों के, बी नंबर है हास्य व्यंग्य के, सी नंबर है कल्पनिकता के और डी नंबर है विकार विषयों के। तो हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो हास्य व्यंग के निबंधकार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, निम्न में से शुक्ल युग के निबंधकार कौन है। ऑप्शन नंबर एक है जगमोहन, बी नंबर है शिवप्रसाद सिंह और सी नंबर है श्याम सुंदर दास, डी नंबर है भारतेंदु। तो शुक्ल युग के जो इनमें से निबंधकार हैं उनका नाम है श्री श्याम सुंदर दास, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि छायावाद का पतन किसका निबंध है। एक निबंध है जिसका नाम है छायावाद का पतन, यह निबंध किसका है, किस कवि का है या किस लेखक का है। ऑप्शन नंबर एक है गुलाब राय, बी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क और सी नंबर देवराज, डी नंबर जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर एक है आपको पता ही, गुलाब राय और बी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, देवराज, ओके। छायावाद का पतन जो है वो देवराज का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ऑप्शन आपको 4 मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक है कि हरिश्चंद और बी नंबर है बालकृष्ण भट्ट और सी नंबर है अध्यापक पूर्ण सिंह और डी नंबर है जगमोहन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से जो द्विवेदी युग के निबंधकार है वो हैं सी नंबर अध्यापक पूर्ण सिंह, ओके। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बैक मत करिएगा। जिस कॉन्फिडेंस मेहनत के साथ मैं क्वेश्चन बनाता हूँ लिखता हूँ उसके बाद आप तक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को सही से देखें। मैं आप ही लोगों के हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ आपको हेल्प एग्जाम में मिल जाए, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि आधुनिक साहित्य निबंध संकलन किसका है। ऑप्शन नंबर एस पाल, बी नंबर है नंद दुलारे वाजपेयी, सी नंबर चतुरसेन शास्त्री, डी नंबर है जैनेन्द्र। तो आधुनिक साहित्य का निबंध संकलन किसका है, ये है श्री नंद दुलारे वाजपेयी का। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बुढ़ापा निबंध के लेखक कौन है। एक बुढ़ापा निबंध है जिसके लेखक कौन है, अज्ञे पांडे, बेचन शर्मा, सी नंबर शुक्ल जी और डी नंबर रामविलास शर्मा। तो बुढ़ापा निबंध के रचनाकार यानी कि निबंधकार जो हैं वो हैं पांडे बेचन शर्मा जी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत सारे मिलेंगे इनमें से जो बता रहा हूँ। तो जो राइट आंसर रहेगा उसे आप सिलेक्ट करके गोला कर दीजिएगा, ठीक है, ओमार शीट पे, जिन लोगों का ओमार शीट पे एग्जाम होना है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट का तो ऐसे भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आते हैं यानी कि उसमें 10 ही शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और सारे सब्जेक्टिव होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में तो ओमार शीट पे होने वाले हैं, तो ओमार शीट वाले के लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से जैनेन्द्र कुमार का निबंध संग्रह है, नंबर एक कुडज, बी नंबर श्रद्धा भक्ति, और सी नंबर भाग्य और पुरुषार्थ, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाग्य और पुरुषार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कितने निबंध संग्रह हैं, ऑप्शन नंबर एक 19, बी नंबर 7 और सी नंबर 8 और डी नंबर 3। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो निबंधकार निबंध जो संग्रह है वो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है, ऑप्शन नंबर एक है यशपाल, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल और सी नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल और डी नंबर है अज्ञेय। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चिंतामणि किस विधा की रचना है, नंबर एक एकांकी, बी नंबर है नाटक और सी नंबर निबंध और डी नंबर उपन्यास। तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निबंध को गद्य में सीमित आकार का लेख किसने कहा, नंबर एक कीटस ने, बी नंबर शेक्सपियर ने, सी नंबर गैरसर ने और डी नंबर है सर एडमंड गॉस ने। तो निबंधकार को गद्य में सीमित का आकार लेख कहा है सर एडमंड गॉस ने, इसलिए का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गोपाल चंद गिरधरदास ने नहुष की रचना कब की है, तो नंबर एक है 1970, बी नंबर है 1904 और सी नंबर है 1957 और डी नंबर है 1950। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम बेसक कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1957। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग के भावपूर्ण निबंधों के निबंधकार कौन है, नंबर एक महादेवी वर्मा, बी नंबर सरदार पूर्ण सिंह, सी नंबर अज्ञेय और डी नंबर है उपेंद्र नाथ अस्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द्विवेदी युग के जो भावपूर्ण निबंधों के निबंधकार हैं वो हैं श्री सरदार पूर्ण सिंह, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको ही हेल्प मिलेगी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि प्रत्येक दिन ठीक है 7 बजे मेरी क्लास शाम को अपलोड हो जाती है, तो प्रत्येक दिन की जो क्लासें हैं वो आप 7 बजे शाम को अटेंड करिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रामविलास शर्मा किस श्रेणी के निबंधकार हैं, नंबर एक प्रयोगवादी, बी नंबर छायावादी और सी नंबर है आशावादी और डी नंबर है प्रगतिवादी। तो रामविलास शर्मा जी हैं वो प्रगतिवादी श्रेणी के निबंधकार हैं, इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इनमें से कौन हास्य व्यंग का निबंधकार है, नंबर एक धर्मवीर भारती, बी नंबर रविंद्रनाथ त्यागी और सी नंबर रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर रामकुमार वर्मा। तो इनमें से जो हास्य व्यंग का निबंधकार हैं के निबंधकार हैं वो हैं रविंद्रनाथ त्यागी, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी है, नंबर एक विषयों का अभाव, बी नंबर व्याकरण दोष और सी नंबर है हास्य व्यंग और डी नंबर है अति सरलता। तो भारतेंदु युग के जो निबंधकारों की मुख्य कमी है वो है क्या, राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर व्याकरण दोष। भारतेंदु युग के निबंधकारों की जो मुख्य कमी है, ध्यान देना है, मुख्य कमी वो है व्याकरण दोष। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे रट लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविकार संबंधी निबंध रचना किसने की है, नंबर एक गणेश बिहारी, बी नंबर महावीर प्रसाद और सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर अज्ञेय। तो मनोविकार संबंधी जो निबंध है उनकी जो रचना की है
वो की है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है सी नंबर। ओके, रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकास संबंधी निबंध की रचना की है। ध्यान देना क्वेश्चन को, साथ में आंसर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों में प्रयुक्त तो होती है? तो ऑप्शन नंबर एक है व्यंगात्मक, बी नंबर वर्णात्मक, सी नंबर विवरणात्मक और डी नंबर है भावनात्मक। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है, बेशक अगर आपको गेस करना है तो गेस भी कर सकते हैं, ये नहीं जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको आता ही हो। आप कमेंट में गेस करिए कि हाँ ये हो सकता है, अदरवाइज आपको मैं तो आंसर बता ही देता हूँ, ये तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आप लोगों की आंसर में बताता हूँ, लेकिन आप भी गेस करिए ठीक है कि क्या होगी। व्यास शैली किस प्रकार के निबंधों में प्रयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, वर्णात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है विवेकी राय, बी नंबर हजारी प्रसाद, सी नंबर गिरिराज किशोर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ललित निबंधकार कौन है इनमें से? ओके, तो राइट आंसर का जो होता है वो होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं ललित निबंधकार। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं हजारी प्रसाद, गिरिराज किशोर या विवेकी राय मत सेलेक्ट कर लीजिएगा गलती से भी। क्वेश्चन को समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि ललित निबंधकार इनमें से कोई है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर रिप्लाई करिए, मैं उसका रिसर्च करूँगा, उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? ऑप्शन नंबर शुक्लोत्तर युग, बी नंबर है द्विवेदी युग, सी नंबर भारतेंदु युग, डी नंबर शुक्ल युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जो रामचंद्र गुलेरी जी हैं वो हैं द्विवेदी युग के, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोगों को ध्यान देना है, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग लेखक और निबंधकार नाटककार भी हैं, तो आपको सही से समझना है। कहीं हो सकता है आप आ जाए ऑप्शन के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के निबंधकार हैं, तो आप गलती से भारतेंदु जी सिलेक्ट कर दें, भारतेंदु युग या शुक्ल युग। तो आपको एग्जैक्टली पहले आप लोगों को ध्यान में क्वेश्चन सेट कर लेना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ वरना आपके एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन निबंधकार रहे? नंबर एक जग प्रसाद सिंह, बी नंबर बालकृष्ण भट्ट और सी नंबर जगमोहन, डी नंबर है जैनेन्द्र। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक कौन निबंधकार रहे हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर बालकृष्ण भट्ट। ओके, हिंदी प्रदीप संपादक के साथ साथ वो निबंधकार भी थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पूर्ण सिंह, महादेवी वर्मा, डी नंबर गुलाब राय। 5 सेकंड का टाइम है, आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आदर्श कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रतिमान निबंध किसका है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मैंने देखा है कि नई कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान लीजिएगा, और सीरीज आपने अगर नहीं खरीदी क्वेश्चन बैंक तो उसमें से भी आप पढ़ाई करिए, नहीं खरीदा खरीद लीजिए, क्योंकि खरीद लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि सब जरूरी है। तो फिलहाल उसमें से भी आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, उसमें नई कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। इस वीडियो में तो मैंने एक ही दो क्वेश्चन डाले फिलहाल नई कविता से रिलेटेड। तो नई कविता के प्रतिमान निबंध किसका है? लक्ष्मीकांत, सेठ गोविंद दास, सी नंबर जैनेन्द्र और डी नंबर है गोविंद वल्लभ पंत। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर लक्ष्मीकांत। ठीक है, नई कविता के प्रतिमान जो निबंध है वो लक्ष्मीकांत का है, ए नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के निबंधकार हैं? पदुमलाल पुन्नालाल, ये जनरली क्वेश्चन आप लोगों को मालूम ही होगा, शुरू से आप 9th से पढ़ते आ रहे होंगे, 10th से तो पढ़ते ही आ रहे होंगे, 11th 12th और बीए में पहुंच गए अब आप लोग। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, तो ये किस युग के निबंधकार हैं? ऑप्शन नंबर शुक्ल युग, बी नंबर भारतेंदु युग, सी नंबर शुक्लोत्तर युग, डी नंबर शुक्ल युग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, शुक्ल युग। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी शुक्ल युग के निबंधकार हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मजदूरी और प्रेम किस कोट का निबंध है? नंबर एक व्यंग्यपूर्ण, बी नंबर विचारपूर्ण, सी नंबर भावपूर्ण और डी नंबर है विशेषणात्मक। ठीक है, विशेषणात्मक। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है वो होता है मजदूरी और प्रेम, जो भावपूर्ण कोटि के निबंध है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर भावपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतेंदु युगीन निबंध कैसा है? नंबर एक करुणा रहित, बी नंबर है नग्नता, सी नंबर हास्य व्यंग्यपूर्ण और डी नंबर है विभोदसता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम है आप बताइए कमेंट में। तो जो भारतेंदु युगीन निबंध है वो है हास्य व्यंग्यपूर्ण। राइट आंसर सी नंबर, आप ध्यान दीजिए, हास्य व्यंग्यपूर्ण। भारतेंदु युगीन जो निबंध है वो हास्य व्यंग्यपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निबंधकार मार्क्सवादी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एक चौधरी बेनी बाधो, बी नंबर जगनिक और सी नंबर है नामवर सिंह और डी नंबर है भट्ट केदार। तो जो मार्क्सवादी निबंधकार हैं निम्नलिखित में से या इनमें से, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर नामवर। ठीक है, मार्क्सवादी जो निबंधकार हैं वो नामवर सिंह जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन फिलहाल। मैं आप वीडियो लास्ट तक देखिए, मिस मत करिए, बैक मत करिए अभी आप लोग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि निबंध से रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे फिलहाल। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने उन्हें 30 क्वेश्चन पूरे इन वीडियो में इंक्लूड किए हैं। वीडियो लंबी हो सकती थी इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले, आपको बोरिंग ना फील हो जरा सा भी। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हैं उनके, लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं। तो ये सारे 50-60 क्वेश्चन मैं मिला के पूरी पीडीएफ मैंने तैयार कर लिए, फिलहाल वीडियो मैंने 30 ही क्वेश्चन डाले, तो 50-60 की वीडियो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट पर मैं पूरे 50-60 क्वेश्चन डाल दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। sandeepinfo.com वेबसाइट है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ 50-60 क्वेश्चन निबंध से और नाटक से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, चेक करिए वहाँ पर मिलेंगे आपको। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर भी आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे ज्वाइन होइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।